एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से इस वक्त हम राम की पेड़ी पर मौजूद हैं और राम की पेड़ी अयोध्या में। आज का वो वक्त है जब जिसका इंतजार इतने दिनों से हो रहा था। 22 जनवरी का दिन है, अब से मात्र 4-4.5 घंटे का वक्त रह गया है जब आप देख पाएंगे कि जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। यहाँ देखिए प्रभु श्री हनुमान की तस्वीर बनी हुई है, हमारा सेट तैयार है। उन्होंने सीना चीर कर राम और सीता को दिखाया था और एक बार फिर इस राम की पेड़ी पर एनडीटीवी इंडिया की टीम मौजूद है। मैं आपको बताना चाह रहा था खास बात पे कि अभिजीत मुहूर्त में आज वो पुण्य काम होना है जिसको कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा। 12:20 से लेके और 1 बजे के बीच की जो 40 मिनट की अवधि है उसमें 84 सेकेंड ऐसे 84 सेकेंड जिसमें वो शुभ मुहूर्त निकल रहा है और उस शुभ मुहूर्त के लिए तैयारियां की गई हैं। करीब 6,000 से 7,000 VVIPs देश भर के VVIPs अयोध्या या तो पहुंच चुके हैं या अगले 1 से 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके बारे में अगर बताया जाए तो वो 10:15-10:30 के आसपास अयोध्या पहुंचेंगे और 10 बजे से लेकर दोपहर में 3:30 बजे के आसपास तक उनका अयोध्या में रहना है और 11 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक के बीच का वो वक्त है जब वो मंदिर प्रांगण में, वो उस रामलला के मंदिर में जो नया भव्य राम मंदिर बना है उसके प्रांगण में रहने वाले हैं और एक एक जगह पर वो जाएंगे। हमारे पास जो जानकारी मिली है दर्शकों, आपको जानकारी शायद पता होना चाहिए, दूरदर्शन पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सारे चैनल को वहीं से फीड मिलने वाली है। दूरदर्शन ने 87 कैमरास अक्रॉस अयोध्या, 87 कैमरों की आप कह सकते हैं ये हुजूम लगाया है और ये उसमें से 46 कैमरे ऐसे हैं जो मुझे पता लगा जो सिर्फ प्रांगण में मौजूद हैं और ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि क्योंकि एक एक VIP को, एक एक चीज़ को, एक एक मूवमेंट को कवर करना है, इतिहास बन रहा है। और ये 22 जनवरी का जो ये दिन है 2024 का, ये इतिहास में लिखा जाएगा इसको। कुछ लोग राम बाबा जी आपका वेट कर रहे हैं, हम लोग स्वामी रामदेव मेरे सामने हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, शायद यहाँ आएंगे स्वामी रामदेव, उनकी हम कोशिश कर रहे हैं लाइव टेलीकास्ट में आप तक ले आने की, दिखाने की। और आपको सबसे खास बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो राम की पेड़ी है, जो सरयू का तट है, रामदेव जी मेरे साथ आ रहे हैं, आई कैन सी हिम। रामदेव जी के पास अगर आप कैमरा पैन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे हमारी लाइव टेलीकास्ट में। स्वामी जी जुड़ रहे हैं, स्वामी जी ने प्रॉमिस किया है कि 5 से 7 मिनट ही रहेंगे, ये हमारा अवभाग्य है कि स्वामी जी हमारे साथ होंगे। आ गए हैं स्वामी जी इस वक्त NDTV पर, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम सुमित भाई, ये हमारे बहुत पुराने चहेते हैं। ये बच्चों ने पेंटिंग बनाई है, ये बड़ी प्यारी कागज में पेंसिल स्केच से बने, 6 महीने लगे बनाने में, 600 पन्ने हैं ये जोड़े हैं इन्होंने, राम 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 तौर पर NDTV के साथ लगातार बने हुए हैं और ऊपर हनुमान जी हैं। हाँ हनुमान जी हैं, लेकिन ये सच में बस्ती के बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, हो जाए दोस्तों एक बार जोरदार तालियां। ए राम कितना सुंदर बना है, पेंसिल एक एक चीज से बना है। अभी हम एक भजन गा रहे थे जी जी, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया। तो अब मैंने इसमें जोड़ा, रघुकुल नंदन अब आएंगे दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। तो कितना सौभाग्य है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक राम राज्य की नींव रखी जा रही है कि हम राम जी के आदर्शों पर, उनकी मर्यादाओं पर, उनके जैसे उन्होंने आचरण किया उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे जी। और योग कर्म योग के पुरुषार्थ के मार्ग पर चल करके इस भारत को आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक, सामाजिक सब प्रकार की नैतिक महाशक्ति बनाएंगे। तो ये मात्र एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये भारत को परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु बनाने का जो सपना था हमारे सब पूर्वजों का, अब वो साकार होगा। समित जी, रामदेव जी आपके तो नाम में भी राम है, हम लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ इकट्ठा है, कितना सौभाग्य मानते हैं अपने आप को सौभाग्यवान। देखो भाई, ये आंदोलन की हमारी भी आंखें साक्षी हैं पिछले 55-56 सालों से जी, और ये 500 वर्षों का संघर्ष, उसके लिए कितने लोगों के बलिदान, तपस्या, राजनीतिक श्रेय तो यद्यपि मोदी जी को इस रूप में है कि जो कोई न कर सका, ये जज भी यही थे, सुप्रीम कोर्ट भी यही था, ये सब वकील भी यही थे, चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बड़ी बात होती है। तो राजनीतिक श्रेय यद्यपि मोदी जी को है, संगठनात्मक श्रेय RSS को, विश्व हिंदू परिषद को है, लेकिन इसमें कितने साधु संत महात्माओं ने, कितने कार्यकर्ताओं ने, कितने राजा महाराजाओं ने, माने
बहुत बड़ा तप, ये तप किया है। तब जा करके जैसे राम जी के काम में ये देखो हमारे हनुमान जी आ गए, ऐसे कितनों ने अपनी अपनी आहुतियां दी हैं, तब जा करके सौभाग्य मिला है। और इस सौभाग्य में आप और हम यहाँ पर अयोध्या में हैं, अयोध्या का पूरा नजारा बदला हुआ है। बिल्कुल, पूरी अयोध्या बदल गई है। देखते देखते बीते 5 साल से मैं लगातार आने का मौका मिल रहा है, कैसे तो, बदल गई अयोध्या समझ में मैं तो आज ये कह रहा हूँ, बस एक बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ, जरूर 15 अगस्त 1947 को देश राजनीतिक रूप से आजाद हुआ था, आज देश की सनातन सांस्कृतिक आजादी का दिन है। ये एक नई आजादी, सांस्कृतिक आजादी, इसके साथ आर्थिक आजादी, शिक्षा चिकित्सा की आजादी, भावनात्मक आजादी, एक स्वाभिमान, एक सनातनी होने का जो गौरव था ना, पहले कई तरह के हम नेगेटिव बात आज नहीं करेंगे हाँ, बिल्कुल ठीक है ना, बहुत तरह की नेगेटिविटी थी, लेकिन सनातन का गौरव, हिंदू होने का गौरव, राम भक्त होने का गौरव, राम कृष्ण शिव के उपासक होने का जो गौरव है, उसके लिए हृदय बहुत प्रफुल्लित है। सुमित भाई, स्वामी जी, जो लोग निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं आए हैं उनके लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे? भगवान उनको सन्मति दे, और सन्मति ना आए तो भगवान सदगति दे। जो राम राम नहीं बोलेगा, जो राम का नहीं वो किसी के, और जो राम राम नहीं बोलेगा, जय सिया राम जय श्री राम नहीं बोलेगा, अर्थात अपने तन मन में इतनी कृतज्ञता होनी चाहिए, तो फिर उसका राम नाम सत हो जाएगा। स्वामी जी, शंकराचार्य जी ने भी जो बातें कही उनको वो कुछ कहना चाहेंगे क्या? उनको बुलाना चाहिए नहीं बुलाना? ऐसा देखो, कुछ लोग ना अपनी ऐंठ में बैठे हैं, यहाँ किसी की ब्याह शादी हो रही है भाई, ब्याह शादियों में फूफा रूठ जावे, किसी की फूफी रूठ जावे, ये कोई रूठा रूठी का काम है? किसी को मान मनोबल का काम है? भगवान का काम है। और देखो कुछ लोग डरा रहे हैं और ये अमंगल हो जाएगा, जहां भगवान राम जी है वहां किसी का अमंगल, मंगल भवन द्रौस दशरथ। अब बताओ राम जी के काम में अमंगल कैसा? अब तो स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद ने भी कह दिया, क्या मोदी जी के हम फैन है, उनकी वजह से हिंदुओं में एक नई आस्था पैदा हुई है। अरे कौन क्या कह रहा है, हमको इनको ना इनको छोड़ देना चाहिए, राम जी के शरण में सब रहेंगे, राम जी के चरणों के पीछे पीछे चलेंगे, अपना जीवन में भी सौभाग्य आएगा, राष्ट्र और पूरे संसार में भी सौभाग्य आएगा। सुमित बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपने मेरा वादा पूरा किया। बोले जय श्री राम, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद, आप पीछे जाइए। तो ये थे स्वामी रामदेव हमारे साथ यहाँ पर मंच पर, और अचानक का पहले से बात हुई थी, स्वामी जी ने मान रखा, सम्मान रखा और पहुंच गए यहाँ पर NDTV के इस आयोजन में। और ये खास तौर पर उनके साथ साथ देखिए, अपने आप ये कारवां बनता जाता है। स्वामी जी आते हैं, कहाँ से आए हैं? जोधपुर राजस्थान से, मैं चंद्रम। हम हरियाणा कुरुक्षेत्र से आए, हम यूपी कानपुर से आए, भोपाल से आए हैं, भोपाल से आए हैं, आप कहाँ से? हम बिहार से आए हैं। ये देखिए पूरा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है, सफी दो हरियाणा। आज बड़ा उत्सव है भगवान श्री राम जी का, कई सालों बाद। सरयू में डुबकी लगाई कि नहीं? बिल्कुल लगाई, सुबह 4 बजते ही लगाई थी। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये प्रभु श्री हनुमान के चरण छूती हुई माता जी, ये तस्वीर, ये है मान सम्मान प्रभु का, ये है आस्था, ये है निष्ठा, ये आप कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हूं। कहां से आई हैं? आगरा जिला से। आगरा जिला से आई है, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, 6-7 दिन से रुके हैं यहाँ पर। दर्शन हुए? हाँ हो गए। चलिए बहुत बहुत है। एक दिन में 5-6 बार किए रामलला की। हाँ। लास्ट वाले दिन आरती भी की। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए रामलला के दर्शन करने के पीछे रामचंद्र भगवान की जय हो।